हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम में यानी कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं। आपको पता है प्लस प्लस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस इज कॉल्ड फॉर व्हाट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्लस प्लस को या माइनस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही बात, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एग्जैक्टली प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखा, इंटीजर टाइप एक ए लिया, एक सिर्फ एक ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने एक ए लिया, ठीक है, और आपने इस ए में कोई भी एक वैल्यू डाल दिया। मान लीजिए आपने इस ए में जो है वो 5 डाल दिया, और अगर आप यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल राइट ए प्लस प्लस, व्हाट विल हैपन, एक से बढ़ जाएगा ए का वैल्यू। यानी कि इसका मतलब है कि ए की वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएगी, और इस बार जब अगर यहां पे अगर आप सी आउट करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको 6 प्रिंट करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू इस लाइन की वजह से एक से बढ़ गई है। तो यस, इट इज करेक्ट, डेफिनेटली इट इज करेक्ट, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को बनाया ही गया है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए, यानी कि इंटीजर के लिए, फ्लॉट के लिए, ये उनके लिए काम करेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास डेमो टाइप का एक क्लास था और मैं कहता हूं डेमो टाइप एक डबल ए, और मैं फिर यहां लिखता हूं डबल ए प्लस प्लस, तो ये आप जब करेंगे तो ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि आपको ये बताएगा कि प्लस प्लस ऑपरेटर का काम जो है वो आप ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना। तो जब एक ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो आप इस वाले ऑपरेटर को प्लस प्लस को यूज इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस प्लस को बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए। तो आप बोलिएगा नहीं, मुझे करना है, मैं करना चाहता हूं, मैं ऐसा लिखूं और ये काम सही हो, ये सही तरीके से परफॉर्म करे, मतलब आप प्लस प्लस को यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को या माइनस माइनस भी हो सकता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक नया काम देना चाहते हैं, यू वांट टू असाइन सम न्यू फंक्शनैलिटी, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इस केस को अगर इस चीज को मैं ट्रू करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का लाइन क्या हुआ, दैट इज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, राइट, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच को आपने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम के लिए। मान लीजिए क्लास है और क्लास का नाम मैं फिर से क्या देता हूँ, सेम क्लास नेम इन ऑल प्रोग्राम्स, यानी क्लास का नाम मैं देता हूँ डेमो, यानी डेमो नाम का हमारा क्लास है, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए एक्स। अब यहाँ क्या करता हूं, मैं आता हूं पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक सेक्शन में आके जो है मैं यहाँ कहता हूँ void get data, जिसके माध्यम से मैं इनपुट लूंगा, क्योंकि मुझे डबल ए का तो इनपुट लेना पड़ेगा ना, जैसे मैंने ए मान के और ए में वैल्यू डाला ना जी, तो वैसे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लेना पड़ेगा। तो void get data, ये get data फंक्शन है, मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ cout slash n value of x equal to, ठीक है, मैसेज दे देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। ये हो गया, मुझे सो थोड़ी ना करना है, मुझे इनपुट लेना है ना, तो मैं दूंगा cout slash n enter number, है ना, यानी कि नंबर दीजिए, जो भी आप नंबर देना चाहते हैं वो नंबर दीजिए, और उसको मैं कहां रीड कर लूंगा, सी इन, इसको बंद करने से पहले x में रीड कर लूंगा, मैंने आउटपुट का लिख दिया था। तो ये गेट डेटा किस लिए हो गया मेरे, ये हो गया इनपुट करने के लिए, है ना, मैंने इस x में इनपुट ले लिया। अब मैं इसको आउटपुट भी तो करूंगा, तो void, और यहाँ क्या हो जाएगा पुट डेटा, ठीक है, पुट डेटा में मैं क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा मैं जो वैल्यू है, तो cout slash n वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वट एवर वैल्यू, x की वैल्यू, और ये हो गया मेरा क्या, पुट डेटा बंद। तो मैंने गेट डेटा भी कर लिया इनपुट के लिए, ये सेक्शन मेरा किस लिए है, दिस इज माई आउटपुट, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू को। अब आता है बात कि मुझे यहां प्लस प्लस को ओवरलोड करना है, तो प्लस प्लस को ओवरलोड करने के लिए आप सिंपली ऐसे लिखिएगा ना, देखिए जब भी आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा, यानी इस डबल ए के जरिए आप प्लस प्लस को क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, या ये तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, अगर आप प्रीफिक्स की बात करें तो प्लस प्लस डबल ए लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है ये प्रीफिक्स है ये पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स तो एक अलग इशू है, वो आप समझ जाइए खुद से, दूसरी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, डिफरेंस भी बता रखा है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में। यहां पर फिलहाल हम ये देखते हैं, पहले मैं ये बताता हूं, ठीक है, यानी प्लस प्लस से। तो यहां पर क्या होगा, इसको ये समझिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि डबल ए के जरिए प्लस प्लस कॉल हो रहा है, ना ही कोई मतलब वहां से रिटर्न आ रहा है, ना ही यहां से कोई क्या जा रहा है, आर्गुमेंट जा रहा है, कोई आर्गुमेंट है यहां पे,
यहाँ पे इसको देखिए ज्यादा समझ में आएगा, डबल ए के जरिए आप प्लस प्लस फंक्शन को बस कॉल कर दे रहे हैं। डबल ए के जरिए आपने क्या किया, सिर्फ प्लस प्लस फंक्शन को कॉल कर दिया, दैट्स इट। तो ठीक है, यहां पे मैं आता हूं, जब ना कोई रिटर्न टाइप है ना कोई आर्ग्यूमेंट है तो void, void और फंक्शन का नाम क्या हो गया, ऑपरेटर प्लस प्लस, और यहां पे कुछ नहीं आ रहा तो यहां पे ब्लैंक रखिए, हो गया। अब यहां पे करना क्या होता है, यहां पे देखिए एग्जैक्टली यहां पे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपने डबल ए का ऑब्जेक्ट बनाया था तो ऑब्वियसली बात है डबल ए के अंदर एक सेक्शन बनेगा, इसका नाम क्या होगा, एक्स होगा। तो मान लीजिए एक्स को जब आपने गेट डेटा किया तो उसने वैल्यू में 5 दिया, तो अगर आप जब ये प्लस प्लस डबल डबल लिख रहे हैं, पहले मैं ये बता रहा हूं आपको अभी, ठीक है, प्लस प्लस डबल लिख रहे हैं तो आप यही चाहते हैं ना कि डबल ए के एक्स की वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाए, तो बस यहाँ पे वही लिख दीजिए एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, खत्म, बस। और कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस आप चाहते थे कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो इसके अंदर का एक्स जो है वो एक से इंक्रीज हो जाए। अगर ये माइनस माइनस होता तो यहाँ पे आप क्या करते, एक से घटा देते या माइनस माइनस कर देते, खत्म, बात। This is operator overloading, देखिए यही है प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बस लोग समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में करना क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप नॉर्मल वेरिएबल के साथ कर पा रहे हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ कर पा रहे हैं, वो आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ करके दिखाएंगे, दैट्स इट, यही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंट मेन समझ लीजिए, अब यहाँ पे समझने वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ड्राइविंग के साथ मैं समझा दूंगा। ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं डेमो टाइप का, तो मान लीजिए मैं डेमो टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं डबल ए, चलिए ये मान लीजिए बनाया मैंने, तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही डबल ए बनेगा उसमें एक सेक्शन आ गया, कौन सा सेक्शन आ गया, उसमें एक एक्स सेक्शन आ गया, आ गया एक्स सेक्शन। अब मुझे इस डबल ए के एक्स सेक्शन की इनपुट भी तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डबल ए के जरिए किस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है भैया। जब मैंने गेट डेटा को कॉल किया तो गेट डेटा में मान लीजिए यूजर ने 5 दिया, कुछ भी दे सकता है, तो ये डबल ए का जो एक्स है वो किससे इनिशियलाइज हो गया, 5 से इनिशियलाइज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार पहले पुट डेटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम डबल ए के तरीके से कॉल कर दे रहे हैं, या यहाँ पे एक प्रॉपर करते हैं, क्या करते हैं, देखिए सी आउट ओरिजिनल वैल्यू, है ना, प्रॉपर मैसेज दे दीजिए आपको समझ में आया, है ना, ओरिजिनल इक्वल टू, और किसको कर दीजिए, ओरिजिनल बस मैसेज, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स, और यहां पे आप क्या कर दीजिए डबल ए के जरिए पुट डेटा को कॉल कर दीजिए। तो ये मैंने क्यों किया, एक मैसेज लिखा हुआ है आउटपुट दीजिए, अगर आउटपुट सेक्शन को आप समझना चाहते हैं तो यहाँ आउटपुट सेक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू। अब मैंने यहाँ डबल के जरिए पुट डेटा को कॉल कर दिया, तो डबल ए के जरिए जब मैंने पुट डेटा को कॉल किया तो यहाँ आया वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे अगर ये मैसेज आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से ये हटा दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ आप एक्स को प्रिंट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्स को प्रिंट करेंगे तो डबल ए के जरिए कॉल किया है तो डबल ए का एक्स, डबल ए का एक्स क्या है 5 है, यहां पे दे देगा ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू 5, क्लियर है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा प्लस प्लस डबल ए, ठीक है, यानी कि डबल ए के जरिए आप प्रीफिक्स को कॉल कर रहे हैं, यहां आएगा, यहां आते ही एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एग्जीक्यूट होगा। अब ये किसके एक्स की बात हो रही है, तो भैया किसके जरिए कॉल किया जा रहा है, डबल ए के जरिए कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो डबल ए के एक्स को, डबल ए के एक्स को एक से बढ़ा के और डबल ए के एक्स में ही डाल दीजिए, यही हुआ ना, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, इन डबल ए के एक्स को एक से बढ़ा के डबल एक्स में ही डाल दीजिए, तो ये एक से बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर एक्स में स्टोर हो गया 6 हो गया। अब यहां पे आप एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए, क्या सी आउट स्लैश एन वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, तो ये प्रॉपर मैसेज हो जाता है ना, वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे थोड़ा सा खसकना पड़ेगा, मैं इस लाइन को अगर थोड़ा सा इस साइड ले आऊं, आपका आउटपुट क्या आ रहा था पहले, आपका आउटपुट यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि मुझे वहां नीचे लिखना होगा आउटपुट क्या है, वैल्यू, सॉरी नॉट ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स 5, और उसके बाद ये प्लस प्लस ये किया तो एक ही वैल्यू 6 हो गई, फिर यह क्या देगा वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल टू। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से डबल ए के जरिए किसको कॉल कर देंगे, पुट डेटा को कॉल कर देंगे। तो इस बार जब आप पुट डेटा को कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पुट डेटा आया एक्स की वैल्यू, अभी एक्स की वैल्यू लेटेस्ट कितनी है 6 आ गई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे कर दीजिए रिटर्न क्या 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, खत्म, बात, हो गया प्लस प्लस ओवरलोड। लेकिन ये है प्रीफिक्स, ये क्या है प्रीफिक्स है, पहले होना चाहिए प्लस प्लस। अब इसी प्रोग्राम को अगर आपको पोस्टफिक्स करना है तो आप सोच रहे होंगे कि डबल ए के बाद में प्लस प्लस लगा देंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं, ये एरर देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एरर देगा। फिलहाल यहां प्लस प्लस है ना, यहां माइनस माइनस कर दीजिए, यहां माइनस माइनस कर दीजिए,
डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो गया, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हो गया। अब आपको अगर ये जो है ना बस इसको अगर आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो जगह चेंज करना पड़ेगा, यानी आप यहां पे अब लिखिएगा डबल ए प्लस प्लस लिखिएगा, राइट। और यहां पे एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स समझने से अच्छा है कि उसको बस दिमाग में एक जगह लॉक कर लीजिए, ठीक है। वो क्या चीज है कि जैसे ही आप पोस्टफिक्स ऑपरेटर को कॉल करते हैं, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को कॉल करते हैं, तो देखिए ना खुद ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी उसको इंटीजर चाहिए ना वन, उसको क्या चाहिए इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना, यानी वो एक से बढ़ेगा। यहाँ पे आप डबल ए के जरिए प्लस को कॉल करेंगे तो यहाँ पे इसको इंटीजर वैल्यू चाहिए, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि डबल ए को एक से बढ़ा दो, लेकिन बस हम यहाँ पे ना इस ब्रैकेट को ना यहाँ पे बोल देंगे भैया मैं तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू दूंगा। इंटरनली जब प्लस प्लस कॉल होगा तो अपने आप इंटीजर वैल्यू ये हैंडल कर लेगा। मतलब क्या है, अगर आपको सिर्फ समझना है तो आप इतना समझिए कि जैसे ही आप पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करते हैं इट नीड्स एन इंटीजर, ये आपका सिंटैक्स ही है कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज अ इंटीजर जब आप ओवरलोड करते हैं एक आर्ग्यूमेंट चाहता है। आप भले यहां से आर्ग्यूमेंट मत भेजिए लेकिन इंटरनली जाएगा, वो इंटरनल है, लेकिन यहां पे आपको इंटीजर देना पड़ेगा। नाउ इट विल बी बिल्कुल, इट विल बी बिल्कुल डेफिनेटली आपने वो प्रोग्राम कर लिया जिस प्रोग्राम में आपने प्रीफिक्स को भी कर लिया और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी कर लिया, क्या ओवरलोड, राइट। चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए जो मैं एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ वो है कोड ब्लॉक्स का एनवायरनमेंट। कोड ब्लॉक्स में मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। ये है जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वो है पोस्टफिक्स का, यानी कि प्लस प्लस जो है वो बाद में जुड़ा रहेगा वेरिएबल के। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, प्लस प्लस जब बाद में जुड़ा होता है तो एज एन आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आप बिल्कुल वही प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, इसमें आप डेमो नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम डबल ए है, डबल ए के जरिए आप इनपुट करेंगे, ठीक है। और इनपुट फंक्शन जब कॉल होगा तो ऑब्वियसली मतलब ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, है ना। यहाँ पे इनपुट फंक्शन जब कॉल हुआ तो आपने उसमें नंबर इनपुट किया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर प्लस प्लस को आपने क्या किया, ओवरलोड किया, डबल ए प्लस प्लस लिखा। मतलब क्या हुआ, डबल ए प्लस प्लस लिखने का मतलब क्या हुआ, डबल ए प्लस प्लस लिखने का मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो वैल्यूज को क्या किए हैं, आपने मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल पे लगता है वो चीज आपने यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, परफॉर्म किया है। और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है आउटपुट फंक्शन का यूज करके। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने में, रन पे हमने क्लिक किया तो ये रन होगा ऑब्वियसली। देखिए सबसे पहले आपसे पूछता है एंटर नंबर, मैंने दिया 5 और मैंने किया एंटर, क्या मैसेज यहाँ देता है, ये वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट, तो वैल्यू ऑफ ए क्या दिया इसने 5 दिया और वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट क्या दिया इसने 6 दिया। दिस इज द आंसर, मतलब हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अगर हम यही प्लस प्लस जो है सिर्फ यहाँ पे अगर हम पहले कर दें, यानी इसको पोस्टफिक्स वाले क्या बना दें, हम प्रीफिक्स बना दें, तो हमें यहाँ से बस एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से ये इंट हटाना पड़ेगा क्योंकि उस केस में इंट की यहाँ जरूरत नहीं होती है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम होता है। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और फिर से इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वही प्रोग्राम रहा, बिल्कुल सेम प्रोग्राम। अगर इसे यहाँ पे मान लीजिए इस पर हम 10 देते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ए की 10 है और आफ्टर इंक्रीमेंट 11 है, यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, विच इज दिस प्रोग्राम। यही प्रोग्राम मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया और ठीक इसके पहले मैंने आपको थियोरेटिकली भी समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks.